परीक्षण तरीका ये अपने घर में लगाना ताकि आउटफॉल तक पानी जो वेस्ट वाटर है वो चला जाए। यदि सफाई का बहुत ध्यान रखना है, न केवल शौचालय बन गए उससे हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है। अभी भी गांव में जाकर देखने से लगता है कि शौचालय तो बन गए लेकिन दरवाजे बंद है, उनका उपयोग शुरू नहीं हुआ। मैं अपने जनपद के और अपने क्षेत्र के लाभार्थियों से संवाद करना चाहता था और उनसे बात करना चाहता था, उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया था और तमाम प्रधानों को भी बुलाया गया था, उनका भी सम्मान हुआ है क्योंकि प्रधानों की भी भूमिका इसमें अहम रही है। तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि खुले में शौच, भारत खुले में शौच मुक्त हो, आज जो शौचालयों का निर्माण हुआ है उनके लाभार्थी आज यहाँ पे आए थे और उनसे हमारी बात हुई है और मैंने उनसे बात करी है और मैंने देखा कि आज जिस तरीके से उनको जो प्रेरणा मिली है और जो ऊर्जा उनके बीच में आई है, आज केवल मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इतनी तेजी से जो योजनाओं का काम उत्तर प्रदेश में चला है आज लोगों के बीच में उम्मीद बढ़ी है और ये योजनाएं जो हैं वो बहुत तेजी से लोगों के बीच में पहुंच रही है। कब तक ओडीएफ करने का जो है? देखिए 30 नवंबर को जिला ओडीएफ होने जा रहा है, घोषणा होने जा रही है क्योंकि करीब 84,000 और भी जो लाभार्थी हैं उनकी भी फीडिंग करीब करीब पूरी हो रही है, उनका भी पैसा आ जाएगा। तो 30 नवंबर को हम लोग जिले को खुले में शौच मुक्त की घोषणा करने जा रहे हैं।